हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसे आपकी फाइलम चल रहा है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फाइलम से, चाहे नीट पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, सभी में फाइलम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूरा कैरेक्टर पूछता है और नीट में इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज है फाइलम एनिडा, और एनिडा को दो भागों में बांटते हैं, एनुलस प्लस टीआईडोस। एनुलस माने होता रिंग होता है, और ईआईडोस माने होता अपीयरेंस होता है। माने क्या मतलब, इसमें जो होता है इनका शरीर जो होता है खंडयुक्त, माने छल्ले पाए जाते हैं वो, और शरीर जो होता है खंडयुक्त होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग अपीयरेंस कहते जो है वो, या खंडयुक्त जो होता है द सेगमेंटेड वर्म्स, सेगमेंटेड वर्म्स कहलाता जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि ये जब जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो संसार भर में गीली मिट्टी जल में अलवणीय और समुद्री स्थलीय बिलों में रहने वाले जो होता है ये जंतु होते हैं वो, और कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, परजीवी होते हैं जो है वो। और शरीर का जो होता है कोमल लंबा बेलनाकार माने सिलेंड्रिकल और वर्म लाइक होता है वो, और शरीर समगंडों में व्यक्त माने मेटामेरिकल सेगमेंटेड, देह खंडों की संख्या निश्चित, देह गुहा और अंतरांग जो होता है समखंडी विन्यासित माने की मेटामेरिकली जो होता है अरेंज होते हैं वो। नेक्स्ट होता है कि इनकी देह भित्त जो होती है मांसल संकुचनशील तथा महीन काइटिन युक्त माने काइटिनस क्यूटिकल से स्थित होती जो है वो, और इनकी सूक्ष्म जो होता है सूक्ष्म काइटिन की निर्मित सूक्ष्म या सीटी होती है वो, और दोनों पेशी स्तर जो होता है वह अनुलंब माने क्या मतलब कि वह जो होता है लॉन्गिट्यूडनल और सबरड जो दो रूपों में जो है ये पाए जाते हैं। माने क्या मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल और सबरड दोनों रूपों में जो होता है पेशी स्तर पाए जाते हैं। अब होती है कि शरीर जो होता है त्रिस्तरीय होता है, शरीर जो होता है त्रिस्तरीय होता है माने इक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो, और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और शरीर संगठन जो होता है अधि स्तर का होता है वो, देह भित्त एवं आहार नाल के मध्य जो होता है स्थित वास्तविक देह गुहा जो होती स्थित होती है, अर्थात नली के भीतर नली में जो होता है नली के भीतर नली अरेंजमेंट होता है वो। उत्सर्जन जो है भ्रूण की इक्टोडर्म से निर्मित सूक्ष्म कुंडिकाओं मेटानेफ्रिटिया द्वारा होता है, और देह गुहा में तथा दूसरी ओर जो होता है एपिडर्मिस द्वारा जो होता है इन छिद्रों पर क्या होता है ये खुलते हैं वो। नेक्स्ट होता जो है वो शरीर जो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विकसित एवं बंद प्रकार का माने क्लोज टाइप होता है वो, रुधिर वाहिनियां जो होती धमनी एवं शिरा होती हैं, औरत का बहाव जो है बंद नलिकाओं में निर्धारित दिशा में होता है, और हीमोग्लोबिन जो होता है प्लाज्मा में क्या होती है ये घुली होती है वो। तो ये रहा फाइलम के बारे में, एनिडा के बारे में रहा। अब होती है कि लीच तो इसका फाइलम एनिडा क्लास हिरुडिनिया आर्डर गनेथोप्टेरा जीनस हिरुडिनिया और स्पेसीज जो होता है ग्रेवियोसा होती है वो। भारतीय जोंक जो होता है वो तालाबों झीलों और गीली मिट्टी व जल में मनुष्य एवं पालतू पशुओं में जो है वो परजीवियों की भांति जो छिप करके यह जो होता है माने पैरासाइट और सहजीवी समान जीवन यापन करता है। शरीर जो होता है शरीर पर का पृष्ठल जैतूनी हरा या भूरा सा गहरे रंग के धब्बे एवं धारियां तथा अधर सतह पर का रंग पीले रंग का होता है, और 12 से 35 सेंटीमीटर लंबा होता है, और 33 संखंडों में जो होता है इसकी बॉडी जो होती है 33 संखंडों में क्या बटी होती है, माने जो कॉमन लीच होता है उसकी बॉडी जो होती है 33 सेगमेंट्स में क्या होती है वो बटी होती जो है वो बटी होती है, और बाहर से प्रत्येक खंड जो है 2 से 5 एंजाइम व्यूअर होते हैं वो, क्रिम सदस्य होते हैं पृष्ठ अधर चपटा माने डार्सल वेंट्रल फ्लैटेंड होता है वो। शरीर के अग्र व पश्चिरे पर एक एक चूसक स्थित होते हैं, अग्र चूसक अधर तल पर स्थित होता है, और मांसल प्यारे नुमा संरचना के रूप में होता है, इसके मध्य त्रिस्तरीय मुख ट्राइडेंट माउथ स्थित होता है, और पर सूचक जो होता है बड़ा होता है और 7 खंडों का निर्मित होता है वो। इसके ठीक आगे 26वें खंड के मध्य में मध्य पृष्ठ रेखा पर
गुदा स्थित होती है और यह गमन व पोषण जो पोषण में चिपकने में क्या होता है, ये सहायक होता है। मरे क्या होते हैं चूसे, क्या होते हैं सहायक होते जो है वो। अब होती है कि देह भित्ति मोटी होती है और नम व देह भित्ति मोटी नम व चिपचिपी शिरोम गुआ भूरे रंग का पृष्ठाकार होते जो है वो। तो ये किसके बारे में रहा, ये रहा कामांडीज का जो जनरल इसका डाइव होता है और इसमें केमिकल हेरोडीन निकलता है, क्योंकि जब तक ये ब्लड को पीता रहता है तब तक हेरोडीन जो होता है वह एंटी कॉगुलेंट काम करता है, माने ब्लड को क्लॉट होने से क्या होता है ये बचाने का काम करता जो है वो। इसमें क्या होता है लूपिंग मूवमेंट और लोको मोशन होते हैं, माने इसमें क्या होता है जिसे एनिमल हो गया जो है ये एनिमल में जो होता है एनिमल इसमें क्या होता है कि लूपिंग लूपिंग जो होता है लूपिंग मूवमेंट और लोको मोशन होता है वो। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं वो, जननांग विकसित होते हैं, 11 जोड़ी भीषण टेस्टिस सेक्स बढ़ावे से तीसरे खंडों में स्थित होते हैं वो, और एक जोड़ी अंडाशय ओवी सेक्स ग्यारहवें खंड में स्थित होती है। अन्य निक्षेपण एवं भ्रूणीय परिवर्तन नौवें दसवें और ग्यारहवें खंड में होता है। केवल जो होता है जनन काल में निर्मित अस्थायी क्लाइटेरियम तथा उससे स्रावित पीले रंग के कोकून से किंतु शिश प्रावस्था का जो होता है इसमें शिश प्रावस्था का बच्चों क्या होता है वो पूर्ण अभाव होता है वो। अब होती है कि एक स्क्वायर रहा, ये रहा लीच होता है और लीच की बॉडी जो होती है वह खंडों में बहुत सारे खंडों में क्या होती है 33 खंडों में बटी होती है वो, 33 खंडों में जो होती बटी होती है और प्रत्येक खंड में 2 या 3 जो होता है एनुलाई पाए जाते हैं वो। ये रहा किसके बारे में, फाइलम एनेलिडा जो इसको क्या कहते हैं इंडस प्लस एयरोस माने रिंग आईपेस माने इसकी बॉडी जो होती है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी बॉडी होती है, माने नली के अंदर नली जो होती है इसके शरीर का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो है वो। नेक्स्ट होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा को दो भागों बांटते हैं, अर्थ्रास प्लस पोडास। अर्थ्रास माने होता है ज्वाइंटेड, पोडास माने होता है फूट, माने इसके फूट जो होता है जोरदार होते हैं वो, इसलिए इसको हम ज्वाइंटेड फूट या आर्थ्रोपोडा माने कि आर्थ्रोपोडा या अर्थ्रास प्लस पोडास। अर्थ्रास माने ज्वाइंटेड, पोडास माने फूट, माने इसके फूट जो होता है वो क्या होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं माने जोरदार होते हैं वो, इसलिए इसको क्या कहते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा कहते हैं जो है वो। अब होती है इनका शरीर जो होता है ये सबसे बड़ा फाइलम होता है वो, क्योंकि लगभग 12 लाख जंतुओं में से लगभग 9,70% जंतु जो होता है इसी में, 2/3 जंतु इसी में आते हैं वो, और लगभग जो होता है 9 लाख जंतु जो होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा मानते हैं। अब होती है कि आर्थ्रोपोडा इनका शरीर द्विपार समित होता है वो, अंगीय स्तर के शरीर संगठन होते हैं और यह प्रोटोस्टियम इसमेट यूमेटा जो होता है और एनिडा की भाज जो होता है ये खंडों में बटे होते हैं और इनका शरीर जो होता है इनके शरीर में 3 जोड़े माने 3 जोड़े पैर पाए जाते हैं जो है वो। और इसमें क्या होता है कि कुछ जंतुओं में माने आर्थ्रोपोड स्तर के एक घूम पर जल में और जलीय समुद्री 32,000 फुट पर एक गहराई में पाए जाते हैं जो है वो। और कुछ जो होता है सॉलिटरी होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और सामाजिक व आर्थिक महत्व के माने लाभदायक भी होते हैं और ये लाभदायक भी होते हैं और जो होता है हानिकारक खुद में दोनों रूप पाए जाते हैं, लाभदायक भी होते हैं और क्या होते हैं ये हमारे लिए हानिकारक दोनों रूप में होता है। जैसे लाभदायक में मधुमक्खी होती है, रेशम कीट होता है, ये लाभदायक होते हैं वो, और हानिकारक में जैसे मच्छर हो गया जो है मच्छर दीमक हो गया ततैया हो गया ये सब लोग क्या होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं ये हानिकारक होते हैं वो। अब होती है कि इनका जो होता है शरीर समखंडों में विभाजित माने मेटामेरिकल सेगमेंटेड और खंडों की संख्या जो होती है वो अस्थायी होती है और इनमें जो होता है सेगमेंटेशन केवल शरीर पर बाहर स्पष्ट होता जो है वो। और त्रिस्तरीय माने ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और द्विपार्श्व सममित शरीर शीर्ष वक्ष और माने की
हेड थोरैक्स और एब्डोमेन बटा होता है, उनका जो शरीर होता है वह हेड थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या होता है, ये बटा होता जो है वो। और कुछ में सिल्वा वक्स संयुक्त रूप से, इसको हम सिंपल थोरैक्स कहते हैं, माने सिल्वा वक्स जो होता है वो संयुक्त रूप से होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे हम सिफेलो थोरैक्स कहते जो है। अब होती है कि शरीर पर जो होता है कार्टिन की निर्मित मोटी व कठोर क्यूटिकल का कंकाल माने एक्सोस्केलेटन होता जो है वो। अब होती है समय समय पर इनपे जो होता है, समय समय पर जो होता है क्यूटिकल को या कंकाल को जाग दिया जाता है, इसे हम जो होता है मोल्टिंग आर एक्सिस कहते हैं, मोल्टिंग या इसको क्या कहते हैं, मोल्टिंग आर एक्सिस कहलाता जो है वो। अब होती है शरीर के प्रत्येक खंड में जो होता है साधारणतः एक जोड़ी पार्श्व बहुखंडी ज्वाइंटेड उपांग होते हैं, ज्वाइंटेड उपांग होते हैं वो, और ये लार्वा के अनुरूप में जैसे जबड़ों मुख अंग टांगों क्लोमों और गलफड़ों या संवादों में जो होता है वो रूपांतरित हो जाते हैं जो है वो। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मुख के चारों ओर माउथ पार्ट्स होते हैं, और मुखांग माने मुखांग जो होता है इनकी कई क्वालिटी माने कुछ भेदने वाले होते हैं और कुछ पियर्सिंग टाइप होते हैं, छेदने वाले होते हैं, कुछ सबाने के लिए और कुछ काटने का कार्य करते हैं वो। सिर पर दो कंपाउंड आई होती है और श्रृंगिका या एंटीनल संवेदी अंग होते हैं वो। देह गुहा जननांगों तथा उत्सर्जी अंग में ही सीमित होता है, और उधर पात्रों के समेकन से निर्मित बड़ी गुहा जो होती है इसको क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, माने एक बड़ी गुहा क्या हीमोसील कहते हैं। तो बच्चों आज इतनी पर्याप्त सुधार करना भूलिए, धन्यवाद।